ये ठंडी हवा है, प्रकृति का स्पर्श। अरे मत रे मम्मी पापा ओ अरे हड़ू आउट ना कोड़ा को। गाइस मैं भी हो सकता है ये मेरा आखिरी ब्लॉग हो, मेरा भाई पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। ए खाली बात, मेरे लिए दुआ करो। ढह के नीचे चला गया, मैं इसे आगे नहीं जाऊंगा। खाली डाल दूसरा रोड वर्ती। रोड वर्ती ना है, सीधा वर्ती। ये मेरा चित्तड़ भाई है, चुतापा करता है हर जगह पे जाके, ऐसे गजब बेइज्जती है। ये व्लॉगर्स लाइफ है, हर जगह शूट करना पड़ता है। Wait a minute, who are you? मैं गरीब हूँ। So we are going on short ride, and this is Shala where no one goes, and this is hospital. Some might be going there. But this is the road to go on mountain. So we are going on ride. Enjoy the ride. My Tukul bhai is riding. Oh my god. Bekar dana hai. Oh, oh. Gear kami karna jhandu. Sala. Bachche ko dar diya bhai. Wow, samne dekho pahad pe. Pura badal se dhak gaya hai. Ye hamare samne pahad hai aur udhar dekho waterfall bhi dikh raha hai. Aur ye raha hamara rasta. बहुत ही डेंजर डर लगता है। ये देखो पूरे पहाड़ को ढक दिया है बादलों ने। ये पहाड़ से पत्थर गिरे हुए हैं, कभी भी यहाँ पे पहाड़ से पत्थर गिरते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वाओ। आराम से रे बाबा, डर लगता है रे। जास्तों को झोपू रे, खाली पड़े होते। पर्टिक्युलर स्पीड लागते गाडीला इतका? हां स्पीड पण लागते आणि कंट्रोल पण लागतो आणि ग्रीप पण लागते आणि रोड पण ओढले। अजीब अजीब आवाज आ रहे जानवरों के, डर लग रहे। इकड़े वाघ पन है ना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोग अभी पहाड़ों में, मस्त से पहाड़ों में राइड कर रहे हैं। मैं नहीं राइड कर रहा, मैं एज अ पिजन राइड कर रहा हूँ। मेरा भाई राइड कर रहा है, जोई कटला। कल मैंने इतना अच्छा ब्लॉग बनाया यहाँ तक आने का, और मेरा माइक ख़राब हो गया था। अब मुझे नया माइक लेने का टाइम आ गया है। अरे मत रे मम्मी पप्पा ओ अरे हड़ू आउट ना कोड़ा को, हड़ूस गए रे। गाइस मैं भी हो सकता है ये मेरा आखिरी ब्लॉग हो, मेरा भाई पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। रोड में सीधा आउट डाल रहे हैं। मैं गलती से खाई में चला गया, तो हो सकता है मेरा ये आखिरी ब्लॉग हो। तो इसे आप पूरी तरह से एंजॉय करो और एंड तक देखो। एक तर माझ्या पुढे गाडी चालवत आहे। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने का। वाव किती थंड थंड हवा आहे ना, एक नंबर आहे। 6 किलोमीटर रे पठार, असं खालचा एरिया पूर्ण दिसेल असं काय नाही का इथून? इकडे ढग बघा ना, कसे फिके फिके दिसत आहेत ना डोंगर। हां खालून किती डार्क। ए खाली बघ, संध्या खाली बघ। अभी हो जाता हमारा आता। आणि साफ 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 लेफ्टला लेफ्टला लेफ्टला। आबा आबा आबा, इकडे गेला। हां तू नाही बघितलं, थांब तुला दाखवतो। गोप्रो मध्ये दाखवतो, थांब बघ। ठीक आहे घरी गेलो दाखवतो। अरे किती जाडा होता तो, त्याने टर्न मारून गेला तो। इथे पण कोणतरी आहे त्या पक्षी आहेत। अरे साप होता, शपथ मोठा साप होता। मी त्याची पाठण बघितली, लय मोठी होती। एक तो स्नेक के साथ अपनी दुश्मनी है बहुत बड़ी। ये देखो पूरा जंगल हो गया यहाँ पर। रोड कितना छोटा पतला सा है, यहाँ पे आराम से चलाने में भला ही है। ये देखो कैसा पत्थर गिरा है, कैसा पत्थर गिरता है, फिर आप आदमी मरता है। ये देखो इधर पे लैंडस्लाइड हुआ है, बस आला। बस इकडे थांबव, इकडे थांबव। बेकार रे कसा वर्णन करा। यहाँ पर देखो लैंडस्लाइड हुआ हुआ, कितना बेकार लैंडस्लाइड हुआ है। शायद यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से दिखा था आपको। ये रोड इतना सीधा ढह के नीचे चला गया है। मैं इसे आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके नीचे पूरा खड्डा है, इफ़ यू कैन सी।
और ये रोड पूरा इतना लैंडस्लाइड होके नीचे गिर चुका है। और ऐसे टाइम पे, बारिश के टाइम पे खास करके ऐसी जगह से आपको दूर रहना चाहिए, वही बेटर है। भाई आगे से टर्न मारने गया क्योंकि इतना ऊपर इनफ है। वो रहा हमारा गांव और वो पीछे गांव के पीछे नदी। यहाँ से तो बहुत वाइड व्यू आ रहा रहेगा, सारे पहाड़ बादलों से मस्त ढके हुए एक नंबर। हम लोग भी एक्चुअली बादल में ही रहेंगे लेकिन यहाँ पे हम देख नहीं पा रहे, यहाँ पे सिर्फ फॉग फॉग दिख रहा है। पहाड़ के और ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है लेकिन हम लोग और ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि इतना इनफ है। काफ़ी अच्छा व्यू भी आ रहा है, बादल भी है। वो जो वाटरफॉल है ना वहाँ पर है, शिवतरगढ़ है, जहाँ पे शिवाजी महाराज जाते थे रहने के लिए। रहने के लिए मतलब वहाँ पे रामदास स्वामी करके जो सेंट्स है, संत है, वो रहते थे, तो उनके दर्शन लेने जाते थे। और वहाँ से गुफा भी बनाई थी, वो स्टोरी मैं आपको फिर कभी बताऊँगा जब मैं वहाँ पर जाऊँगा, तब पूरा डिटेल में बताऊँगा। ज़्यादा डिटेल मुझे भी नहीं मालूम, बट जितनी मालूम है उतनी बताऊँगा। बाकी व्यू देख लो कितना प्यारा है। एक राइडर मनसाला अजून काय पाहिजे, अत्यंत सुंदर असा हा रोड आहे, खूप छान असे सिनेरी आहे। कडक वाटते ना एकदम, टाइम लॅप्स लावायला पाहिजे, लावायचं का 5 मिनिटं साठी? डोळ्याने किती क्लिअर दिसत, कॅमेऱ्यामध्ये एवढं नाही दिसत। आय विश की कॅमेरा इतना क्लिअर होता की आपको ये पूरा क्लिअर दिख पाता। पूरा उधर से बादल आ रहे और यहाँ से बादल पहाड़ को अटक के यहाँ पे जम रहे और बाकी का ऊपर आगे निकल जा रहा है। कैमरा क्लियर है रे पण तेवढं नाही दिसत जेवढं डोळ्याने दिसत, डेप्थ नाही दिसत तेवढी। ऐसे पीछे पहाड़ दिख रहा है, आगे ऐसे बादल उसके गोल गोल घूम रहे उतने एरिया में और ऐसे जा रहे ऊपर से, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ एक टाइम लैप्स बना लूँ, शायद बना ही लेता। तो हमारा टाइम लैप्स बना के तो कंप्लीट हो चुका है, एक छोटा सा टाइम लैप्स बनाया, ज़्यादा टाइम का नहीं बनाया क्योंकि अभी जाना भी है नीचे। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, सीधा घर पे जाते हैं। ज़्यादा अच्छा जगह नहीं मिला टाइम लैप्स बनाने के लिए क्योंकि सामने वाले पत्थर पे पेड़ वगैरह थे, गाड़ी भी टेढ़ी थी, तो टाइम लैप्स बनाने को अच्छा ये नहीं मिला। तो गाड़ी आ रही है ऊपर से, ऊपर भी एक गाँव है पठार पे। पठार मतलब एक फ्लैट सरफेस होता है माउंटेन के ऊपर, उसे कहते हैं पठार मराठी में। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा मराठी में थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा। हमारा व्यू जो हम यहाँ पे एंजॉय करने आए थे, अभी यहाँ से निकलते हैं और इधर जाते हैं घर पे। तेनालीरामा देखना है आपको, ये देखो सिर्फ शेंडी नहीं है। इसे आपको बताऊँ मैं, यहाँ पे गाँव में नेटवर्क नहीं आता है और थोड़े नेटवर्क की तलाश में हम लोग आए भी थे, हमें नेटवर्क मिला नहीं। ये हड़ू कर स्लो कर साले, स्लो कर माझे वाटे बहुत। अरे बाहेर कुठे काढतो येड्या, अशी कशी गाडी चालवतो तो काय माहिती? पोलीसला काय लावणार त्या गाडी, तू मग सुट्टी आ। हां मग काय येड्या, तशीच चालवावी लागते गाडी, स्लो कर भाई। गाइस मैंने आपको जैसे बताया, हो सकता है मेरा आखिरी ब्लॉग हो, मेरे लिए दुआ करो, जस्ट प्रे फॉर मी कि मैं जिंदा रिटर्न आऊँ और मुंबई में अगले अगले ब्लॉग बनाओ अच्छे अच्छे। गाड़ी चालू नहीं गई तू? इसने गाड़ी चालू नहीं की है, पेट्रोल बचाने की निंजा टेक्निक। बहुत ही गंदा था। ये ठंडी हवा है प्रकृति का स्पर्श, तू हाटे वाटे टर्न अजून बेकार ही वाली ये ना है, पण पुढची आहे असं ठेवा सर। हाँ हाँ तुझे ठंडे वाटते रे गाइस, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको नॉर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है। आपको पूरा ठंडा फील मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगी, आम भी मिलेंगे, सांप भी मिलेंगे और लैंडस्लाइड्स भी मिलेगी, तो संभल गया। बजेट में अगर आपको घूमना है, हाथों ठेवायची गाड़ी, बाहर कभी ना ठेवायची मम्मी। गाइस अगर आप पहाड़ों पे आ रहे हो तो आपको एक और फायदा मिलता है, आपको सिर्फ ऊपर आने का पेट्रोल लगेगा, नीचे जाने का पेट्रोल नहीं लगेगा।
हमारा गाड़ी अभी तक बंद ही है, हम लोग पूरा ऊपर से नीचे आने पहुंच गए, आई मीन नीचे पहुंचने आए, लेकिन हमने अभी तक गाड़ी ऑन नहीं करी और लगता नहीं ऑन करनी पड़ेगी। लद्दाखची जरूरतच नाही जायला, एवढे कडक कडक रोड आहे इथे। हॉर्न नको प्लीज। रमचले रे बाबा, डर लगता है रे बाबा। ब्रेक द ब्रेक द ब्रेक द ब्रेक, काय बेकार टर्न है, टर्न देख लो भाई, फट जाती है, फट जाती, लिटरली फट जाती है। ऐसा सीधा सीधा आदमी आके सीधा चला गया तो सोचो, ऐसा सीधा नीचे चला गया, खाली डाल दूसरा रोड वरती, रोड वरती ना है, सीधा वरती। ऐसा शॉर्टकट है आपको जिंदगी से, शॉर्टकट है आपको जिंदगी शॉर्ट कर देगा, और अगर शॉर्ट नहीं भी हुई तो भी आप जीना नहीं चाहोगे, ऐसा हालत हो जाएगा। हाथ की जगह पैर आ जाएगा, पैर की जगह हाथ। गावत जातो अभी जाके गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी, पूरा ऊपर से नीचे आ गए, गाड़ी ऑन ही नहीं करनी पड़ी। फाइनली हमने गाड़ी ऑन कर दी और लगा हमें रिटर्न आने का जीरो पेट्रोल। चल वहाँ राइट लगे फिर ऐसा ना, ऐसा घर बनाना है मुझे यहाँ पे, और ये गांव का मंदिर। हवा बराबर है और हमारा गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इकड़े जाओ लेफ्ट ला, राइट लगा, पूरे पूरे लेफ्ट ला, नड़ा बाजू में, ये रहा हमारा घर।